हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लेकिन डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है अपनी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको मैंने थोड़ा और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कराने की सोची है, जिस एक्टिविटी के अंदर मैं आपको कुछ कॉम्पोनेंट दिखाने वाली हूँ। क्योंकि ये जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिलेबस में से लास्ट ईयर बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए थे। लाइक आपका जो एक पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक, आपका लॉजिक गेट जितने भी थे वो डिलीट हो चुका है सिलेबस से। और सीबीएसई ने इस साल एक जीनर डायट टॉपिक था, वो भी डिलीट कर दिया है। सो कहने का मतलब बहुत कम टॉपिक है जो इस यूनिट के हमें बोर्ड एग्जाम के लिए ये या फिर आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। जो जो टॉपिक करने हैं वो मैंने अगेन सेम थिंग बोर्ड के लेफ्ट में लिखे हैं आपके लिए, जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को करवाने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं चाहती हूं कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ में फेमिलियर हो। कि सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने पीएन जंक्शन डायोड को देखा है, एक रजिस्टर कैसा होता है या एक आईसी कैसी होती है। So, कहने का मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा बेटा। लेकिन एक नॉलेज होती है, एक स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए। और एज अ टीचर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे किसी भी कॉम्पोनेंट को अगर देखें तो वो पहचान पाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट कौन सा है। सो वेट अ मिनट। हेलो प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। आज की एक्टिविटी में मैं आपको कुछ कॉम्पोनेंट दिखाने वाली हूँ। नंबर वन, जैसे अभी मेरे हाथ में ये आईसीज हैं, राइट। सो एक आईसी मैंने आपके लिए ओपन की है, ये देखें। आईसी क्या होती है? आईसी आपका होता है बेटा इंटीग्रेटेड चिप। एक सिंगल चिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आपके ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, बहुत सारे एक्टिव कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। ये इसके लेग्स होते हैं जो सर्किट के अंदर ज्वाइन किए जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास है पीएन जंक्शन डायोड। आप ये देखें, पीएन जंक्शन डायोड में एक आपको हल्की सी ग्रे लाइन दिख रही होगी और ये एक बाकी की बॉडी इसकी ब्लैक होती है। ये जो ग्रे लाइन है ये नेगेटिव होती है, बाकी वाली बॉडी इसकी पॉजिटिव है। इसको हम सर्किट में ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास है जीनर डायोड। वैसे तो प्यारे बच्चों ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है, पर मेरा मानना है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जीनर डायोड दिखता कैसे है। जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पज डायोड होता है जो रिवर्स बायस में काम करता है। और आप यहां देखें, ये अपने पास सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन ये जो है आपके पास जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये आपके पास है जीनर डायोड, राइट। नेक्स्ट मेरे पास है एलईडी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, लाइक रेड, ग्रीन, येलो। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से कलर की एलईडी को हम कैसे बनाएं। इसके दो दो आपके टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ग्लास फ्यूज, जो हम सेफ्टी डिवाइस में पढ़ते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा वीडियो को जूम करके देखना बेटा, इसमें एक हल्की सी लाइन है, अगर आपको दिख रही है सिल्वर कलर की, ये एक अलॉय होता है। यस, ये आपका टिन और लेड का कॉम्बिनेशन होता है और इसकी जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। यस, नेक्स्ट अगेन मेरे पास एक ऐसा कॉम्पोनेंट है ट्रांजिस्टर। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, पीएनपी और एनपीएन। ये डिपेंड करता है, ये मल्टीमीटर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एनपीएन है कि पीएनपी। इसमें तीन लेग होते हैं, एक एन, एक पी और दोबारा से फिर एक एन। सो ये कॉम्बिनेशन में आपके पास ये होता है ट्रांजिस्टर। ये एम्पलीफायर जैसा यूज होता है, ऑसिलेटर जैसा यूज करवाते हैं इसको, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉम्पोनेंट होता है। ये स्विच जैसा भी काम कर सकता है आपका, राइट। नेक्स्ट मेरे पास है आपके लिए कैपेसिटर्स, जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। आप यहाँ पे देखें, मेरे पास जो कैपेसिटर है 1000, 100 और 1 माइक्रोन फेराड का है, जो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के हैं। सो दिखने में तो ये आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन आप यहाँ देखें, इनके ऊपर यहाँ वैल्यू लिखी होती है बेटा। जैसे ये आपका 1000 माइक्रोन फेराड और 25 वोल्ट का है। सो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपके आते हैं। नेक्स्ट है अगेन आईसी है, ये एक टाइमर है जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। 555 बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइमर आईसी होती है ये। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इसको यूज करोगे जब आप बड़ी क्लासेस में होगे। वेट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, शायद स्क्रीन आपको ब्लर दिखाई दे। ओके, अब फाइन। ओके, नेक्स्ट आप देखें, ये है एलडीआर।
ये एक पैसिव कंपोनेंट होता है, और साथ ही इसके बारे में ये बोला जाता है कि अगर इसके ऊपर लाइट की जो इल्यूजन होती है उसको लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसके ऊपर लाइनिंग होती है, आई थिंक आपको वो विजिबल नहीं हो रही है, बड़ी फाइन लाइन होती है इसके ऊपर। यस, सो दिस इज LDR। नेक्स्ट ये है रेजिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट आपके वैल्यूज के, तो आपको मैं दिखाती हूँ इनके ऊपर लाइंस होती हैं बेटा। ये टॉपिक भी सिलेबस से कट चुका है, जिसके अंदर हम एक बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एक फॉर्मूला होता था, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टेंस के कलर कोड को पढ़ के हम रजिस्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये वही रजिस्टर होता है जो आपके सर्किट के अंदर एक्सटर्नल लग के और फिर आपके करंट को कंट्रोल करता है। एक मैंने आपके लिए ओपन किया है, आप ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल फाइन लाइंस हैं, जैसे आपकी ब्लू, रेड, ब्राउन, गोल्डन है ना, तो इससे हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कलर कोड से कि ये किस वैल्यू का है। सो आई होप आपने ये कंपोनेंट को एंजॉय किया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट कैसे आपको दिखते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। यस स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ में, दैट इज एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। सो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जो टॉपिक मैं आज की क्लास में कवर करवाऊंगी, अगर आपको इन टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने इन पे अलग से सेपरेट से पूरे कंप्लीट यूनिट पे दो वीडियो बना रखी है बेटा, आप वहां पे जाके इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको एज अ रिवीजन क्लास करवा रही हूँ। इस बात का आप ध्यान दें, क्योंकि जो सीरीज चली हुई है अपने क्लासेस की, ये आपकी रिवीजन क्लास है। सो इसीलिए मैं, मेरा आपसे कहना है कि किसी भी टॉपिक में आपको डिटेल में आपको सीखना है तो आप उन वीडियोस पे जाके आप अपने पूरे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। सो अभी हमें देखिए, ये मैंने आपके लिए एक ग्राफिकल फॉर्म में बनाया है कि कैसे आपका वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड आपका ड्रो होता है। एक्चुअली होता क्या है पहले बच्चों, सपोज आपके पास एक सिंगल एटम है तो वो किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, किसके साथ रिपेल करेगा, लैटिस के अंदर। लेकिन अगर सपोज लैटिस में तो बहुत सारे आपके एटम्स हैं, तो जब एक एटम दूसरे एटम के इंट्रैक्शन में आएगा, पास आएगा, उनकी इंटर एटोमिक स्पेसिंग कम होगी, तो वो एक दूसरे के एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालेंगे, राइट। सो वो वही की बात हो रही है, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने इंटर एटोमिक स्पेसिंग ली है, अलोंग वाई एक्सिस आपका क्या है, एनर्जी है, राइट। सो ये सपोज अपने पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर दो आपके आप लेते हैं मटेरियल, लाइक सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम ले सकते हैं। सो ये उनकी कॉन्फिगरेशन है, दोनों में आप स्टडी करें, जो लास्ट में है आपके, दोनों में आपके पास फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो सपोज अगर मैं सिलिकॉन की एग्जांपल हूं, तो वो मैंने आपको शो करके दिखाया है, तो 1s2, 2s2, 2p6 ये सारा आपका कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद 3s2 में ये कंप्लीट है आपका, लेकिन 3p में 6 आने थे, तो आपके पास कितने हैं, 2 ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये दोनों मिला के आपको वैलेंस देंगे। अब है क्या, सपोज आपके पास दो एटम है, तो आप उस एटम के बीच की स्पेसिंग को कम कर रहे हैं, राइट। जब वो स्पेसिंग डी के इक्वल है, तो यहां देखिए कोई इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा और कम किया, थोड़ा और कम किया, तो एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी बैंड्स के फॉर्म में। सो इस फॉर्म में आपके पास तीन चीजें आएंगी, नंबर 1 वैलेंस बैंड, नंबर 2 कंडक्शन बैंड, और एक स्पेस होता है, एक गैप होता है इन बिटवीन टू बैंड्स, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ये ईजी होता है, इसको एच न्यू या एच सी बाय हम लैम्डा पुट कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वैलेंस बैंड आपका होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या तो आपका पार्शियली फिल्ड होगा या आपका फुल्ली फिल्ड होगा, कभी भी आपको वैलेंस बैंड एम्प्टी नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट जो एनर्जी गैप है, ये यहाँ पे भी आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक गैप है एनर्जी का। कंडक्शन बैंड, यस, कंडक्शन बैंड नॉर्मल टेम्परेचर पे या तो होगा एम्प्टी, बिल्कुल खाली, या फिर आपका पार्शियली फिल्ड होगा। सो ये इसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन आप इससे समझे क्या, राइट। इस ये जो सारी जो थ्योरी है, ये हम पूरे कंप्लीट चैप्टर में अप्लाई कैसे करें, तो उसका मैं एक आपको समरी टाइप का यहां पर बताना चाहती हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, सपोज यहां पर अपना एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपकी शेल्स है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो KLMN शेल। जो ये वैलेंस बैंड है, ये हम मानते हैं कि अपनी सबसे लास्ट वाली वैलेंस शेल है,
जहां से आपके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक है। अब होगा क्या, जैसे ही आप उस एटम को एनर्जी दे दोगे, राइट, सो एनर्जी देने से जो न्यूक्लियस के साथ में आउटर जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक है, तो सबसे पहले वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और एक कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी एच न्यू है, जो भी एनर्जी है, ये एनर्जी अगर इस बैंड गैप जितनी है या इससे ज्यादा है, ठीक है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से आपका कंडक्शन बैंड में जाएगा। सपोज वो उतनी एनर्जी थी वो चला गया, राइट, अब क्या, अब उसके जो पीछे की वैकेंसी है, जो खाली अपनी वैकेंसी छोड़ गया, उसको हम बोलते हैं होल, राइट। अब वो जब ऊपर जाता है तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, अब वो फ्री है मूव करने के लिए, तो आपका करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है इस कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि जब तक ये बाउंड है तो ये इंसुलेटर जैसा है, लेकिन जब ये फ्री हो जाते हैं करंट की कंडक्शन के लिए तभी आपका यहां पे करंट होता है। अब आगे क्या, आगे आपको एक छोटा सा और लॉजिक याद रखना है इस केस के लिए। सपोज ये यहां की एनर्जी को एमिट करके वापस से इस होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं, मींस एक इलेक्ट्रॉन जो आपका कंडक्शन बैंड में है वो जो एनर्जी लेके गया था उस एनर्जी को दो फॉर्म में आपका एमिट कर सकता है। अभी मैं इसकी भी बात करूंगी कि दो फॉर्म कौन सी है। उसने एनर्जी को एमिट कर दिया भाई, अब क्या, अब वो आके आयन के साथ, सॉरी नॉट आयन, वो आपके होल के साथ आके रिकम्बाइन होता है तो आपके आयन की फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं उस एनर्जी की जो उसने एमिट की थी। अगर वो ये यहां से जब वापस नीचे आके रिकम्बाइन होगा तो जो एनर्जी है वो एमिट करेगा लाइट की फॉर्म में, तो हम बना देंगे उसका एलईडी, मींस लाइट एमिटिंग डायोड। लेकिन कई बार वो लाइट को एमिट नहीं करता, एनर्जी को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता, वो करता है हीट की फॉर्म में, तो वो आपका सिंपल डायोड बन जाता है, मींस वो सिर्फ आपको हीट दे रहा है, नॉट लाइट, राइट। सो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है वो किस टाइप की एनर्जी को एमिट कर रहा है। सो यही आपकी बेसिक थ्योरी है प्यारे बच्चों, किस चीज की, इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपके इस पे बेस्ड है। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है जो कि अपना अगला टॉपिक भी है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, तो इसमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर सेमीकंडक्टर और एन इंसुलेटर। सिंपल सा है, पे जो करंट को पास करे इजीली वो आपका है कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रेजिस्टिविटी कम वो है कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, एल्यूमिनियम, कॉपर, सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर। एंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो इन बिटवीन है, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है लेकिन इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा। तो पूरे के पूरे फिजिक्स में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही मोस्टली पढ़ते हैं, और उनमें से भी अगर कोई ज्यादा पूछा जाए कि इन दोनों में से भी बेटर कौन सा है, तो मैं बोलूंगी सिलिकॉन, ठीक है, उसका भी बताएंगे आपको डिटेल में कि वो मैंने क्यों उसको प्रेफर किया। हालांकि ज्यादा क्वालिटी जर्मेनियम के पास है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस हम सिलिकॉन को देंगे, ठीक है। सो कंडक्टर का आपको क्लियर हो गया फंडा, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट इजिली पास ना हो, लाइक आपको वुड, प्लास्टिक, आपकी वैक्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के। लेकिन तीनों में अगर बात की जाए, मतलब तीनों की बात की जाए, तो तीनों में सबसे बेस्ट तो कंडक्टर हुआ क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा करंट पास होता है। लेकिन फिर भी हम कंडक्टर डिवाइसेस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है प्यारे बच्चों। कंडक्टर जो है उसके अंदर नो डाउट बहुत सारा करंट होता है, राइट, लेकिन उस करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक एग्जांपल सुने, सपोज आपके रूम में दो फैन हैं, एक फैन आप ऑन करते ही आपकी 5 की स्पीड पे ऑन होता है, दूसरे को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं 1 पे 2 पे 3 पे, आप उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं। सो कौन सा बेटर है आपके अकॉर्डिंग, यस नो डाउट, कौन सा, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यही रीजन है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर को ही यूज करते हैं बजाय की कंडक्टर के, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को करंट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो था ये आंसर।
अब मैंने इन दोनों में से क्या बोला, तो दोनों में से मैंने सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी प्यारे बच्चों, जो सिलिकॉन है आपका, सपोज आपके पास दो डिवाइस है, अगेन एक जर्मेनियम का एक सिलिकॉन का, एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है बेटा। सपोज आज का मौसम थोड़ा ठंडा है, सपोज कल थोड़ा और गर्म होगा, फिर नेक्स्ट और गर्म, फिर जून आएगा तो और बहुत गर्मी होगी। सो अब क्या होगा, जर्मेनियम वाला डिवाइस है वो थोड़ा टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो जो रीडिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो जर्मेनियम में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। भले ही आपकी जर्मेनियम है वो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, उसका जो अगर आपने क्योंकि चैप्टर भी डिटेल में पढ़ लिया है तो आपको ध्यान होगा कि इसमें जो इसका बैंड गैप था, जो कि अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको डिस्कस करूंगी, चलो आपको करवा ही देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ये स्टूडेंट आप देखें, ये जो डिफरेंस है ये मैंने बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताया है। इसमें जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ये जो गैप होता है प्यारे बच्चों, ये ओवरलैप होता है। ओवरलैप मीन्स अगर आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एकदम से आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे विदाउट कोई टाइम आपका पीछे की, मीन्स आपका एकदम से करंट का कंडक्शन होगा। लेकिन अगर मैं सामने कंडक्टर की बात करूं तो ये जो गैप है ये डिपेंड करेगा आपके मटेरियल पे कि आपका कौन सा सब्सटेंस, आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है सेमी कंडक्टर के टाइप का। तो जैसे अगर आपने सिलिकॉन यूज किया है तो ये गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम है तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसकी वैल्यू है जो फिक्स होती है। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की तो ये जो गैप होता है ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। और अगर पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल लें लाइक डायमंड, तो डायमंड के लिए तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं सबको एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर पहुंचाना है तो इतनी वोल्टेज देनी पड़ेगी, तो कितने सारे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए आपको कितनी ज्यादा वोल्टेज को वेस्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए हम इसको यूज ही नहीं करते। इसको क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि एकदम से थोड़ी सी भी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते ही आपकी करंट की कंडक्शन एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पे अगर हम लाइट को फॉल करना बंद कर दें तो आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाना बंद हो जाएंगे बेटा, और हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो भी आपसे डिस्कस कर रही थी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से ज्यादा जो क्वालिटीज है वो किसके पास है, जर्मेनियम। आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से जर्मेनियम को थोड़ी एनर्जी देनी पड़ रही है करंट की कंडक्शन करवाने के लिए, राइट। लेकिन फिर भी जो ज्यादा बेटर रिजल्ट है, ठीक है, वो किसके आते हैं, सिलिकॉन के आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, लाइक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंस, और उसके बाद बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप की। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है। सो नंबर वन, एक आपका प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं है, जिसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक की तो एक वर्ड यूज किया है बेटा डोपिंग। डोपिंग मीन्स एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम कोई इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो इंप्योरिटी है वो एन टाइप की है या पी टाइप की है, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि एन टाइप और पी टाइप क्या है। अभी फिलहाल के लिए आप क्या याद रखिए कि अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसी मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल है लाइक कोई प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम। यहां पे ये मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां लिखा है कि अगर सपोज प्योर सिलिकॉन है या जर्मेनियम है और आप उसके अंदर ऐड करते हो लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम, बोरोन, ये क्या है सारे, किसी की एग्जांपल है ये। जैसे मैंने आपको बताया एन टाइप या पी टाइप, तो आपके ट्राइवेलेंट और जो पेंटावेलेंट आपके जिसकी लास्ट की वैकेंसी 3 है या लास्ट की वैकेंसी 5 है, वो वाले जो सीरीज के जो भी आपके एलिमेंट्स है अगर आप वो ऐड करते हैं एक प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो जो आपका बनेगा सेमीकंडक्टर वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। नेक्स्ट, क्यों ऐड करते हैं हम, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि हम क्यों ऐड करें प्योर के अंदर, क्यों उसको इम्प्योर कर रहे हैं। सो उसका रीजन है क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो आपका इंट्रिंसिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी लो, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए अगर हम उसके अंदर डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है प्यारे बच्चों, वो हाई हो जाती है। नेक्स्ट है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो जस्ट आपके टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर अलोन।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ में आपने कितनी क्वांटिटी इम्प्योरिटी की ऐड की है उस बात पे भी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की बात की जाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने आपके बोर्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और पीछे एक वैकेंसी क्रिएट करके जाएंगे और उस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं। सो दैट मीन्स अगर पांच आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में गए हैं सो दैट मीन्स पांच ही आपके होल नीचे वैलेंस में क्रिएट हुए, राइट? तो वो नंबरिंग है जो वो इक्वल होगी। लेकिन इस केस में जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं डिपेंड करेगा बेटा। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल आपके इक्वल नहीं होते। अगर एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और अगर पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की है तो नंबर ऑफ होल आपके ज्यादा होंगे। सो ये कुछ रेफरेंस है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा आपके लिए, आपको टॉपिक क्लियर हो, राइट? नेक्स्ट टॉपिक है एन टाइप और पी टाइप, जो अभी हम यहाँ पर टॉपिक की बात कर रहे थे। तो एन टाइप और पी टाइप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर विद डिफरेंस। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था, एन टाइप में हम डोपिंग करते हैं कौन से वाले ग्रुप की? फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी होल डेंसिटी से, राइट? सो ये कुछ चार पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इसी के सिमिलर अगर मैं बात करूं पी टाइप की, तो यहां पे डोपिंग होगी आपकी थर्ड ग्रुप एलिमेंट की, जिससे आपको एक्स्ट्रा होल मिलेगा। तो होल आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। सो इसी रीजन से होल डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अब आपके दो लेवल होते हैं प्यारे बच्चों, एक है आपका जो डोनर, क्योंकि ये चार तो आपके कोवलेंट बॉन्डिंग में दे रहा है और एक जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको वो आपको डोनेट कर रहा है। तो कहने का मतलब पी जो आपका सॉरी जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका फिफ्थ ग्रुप है वो आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला है डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू किसके पास होगा? कंडक्शन बैंड के पास। यहां वाला क्योंकि ट्राई है तो चाहिए तो चार आपको कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए, लेकिन तीन तो आपके कोवलेंट बॉन्डिंग में यूज होंगे, एक जो आपकी वैकेंसी बच जाएगी सो वो आपका होल है। सो मींस होल में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। सो दैट्स व्हाई एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड। आप इसका ध्यान रखना कि डोनर है वो कंडक्शन के पास होगा, एक्सेप्टर आपका वैलेंस के पास होगा। साथ ही अगर आपकी फर्मी लेवल की बात की जाए तो फर्मी लेवल ध्यान से देखो किस किस के बीच में होगा, डोनर और कंडक्शन बैंड। ऐसे अगर इसमें फर्मी लेवल की बात की जाए एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड, राइट? नेक्स्ट आपका है एग्जांपल्स कि ये जो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है ये कौन कौन से हैं, तो आप इनमें से एक आठ नंबर नाम याद कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी आप लर्न कर सकते हैं, लाइक आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपके एग्जाम्पल है एन टाइप सेमीकंडक्टर के फिफ्थ जो आपके ग्रुप एलिमेंट है वो एग्जाम्पल है। ऐसे थ्री की बात की जाए तो उसके एग्जाम्पल है इंडियम, बोरोन, गैलियम, आपका एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। सो ये आपके कुछ डिफरेंस थे पहले बच्चों जो आपके इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एन टाइप पी टाइप ये हमने किया है। नेक्स्ट है जो टॉपिक वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और आपकी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको आपका जो प्रैक्टिकल है वो पार्ट भी आपको रिवाइज हो जाएगा। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। सो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ पहले बच्चों, जो अपने पास डायोड होता है वो मेनली तो यूज होता है रेक्टिफिकेशन के लिए, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें क्या दिखाना है, हमें उसको फॉरवर्ड या रिवर्स बायस करके दिखाना है, सिर्फ जस्ट ये करना है। सो उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम आना चाहिए। तो मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ फॉरवर्ड बायस को। यहाँ पे एक डायोड है जिसमें ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका नेगेटिव होता है, ये पीछे वाला पॉजिटिव, जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में डेमोन्स्ट्रेट करके, सिल्वर वाला पार्ट आपका नेगेटिव, जो पीछे ब्लैक वाला पार्ट था वो आपका पॉजिटिव होता है। वोल्ट मीटर हमेशा आपका पैरेलल में लगता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एमीटर या जो भी आपका मिली एमीटर है, माइक्रोन एमीटर है, कहने का मतलब जिससे भी आप करंट को मेजर कर रहे हैं वो हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगता है। उसका रीजन क्यों?
क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है कम, करंट होता है ज्यादा, वो उसको इजीली मेजर कर पाता है। नेक्स्ट एक रियोस्टैट है और आपके पास एक सेल है, राइट। सो आप एक छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं, सेल से भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में थोड़ी सी वोल्टेज से करंट आपका बढ़ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, एक और भी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, फॉरवर्ड बायस के केस में जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है, डिप्लीशन लेयर होती है दो आपके जंक्शन के बीच का, जो दो टाइप की पी और एन टाइप की लेयर के बीच का जो जंक्शन है, वो आपका फॉरवर्ड बायस के केस में कम होता है, करंट होता है ज्यादा, और रिवर्स बायस में इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। आप दोनों को इक्वेट करके देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। आप यहां देखिए, नेगेटिव को एक डायोड के नेगेटिव को सेल या बैटरी के नेगेटिव से जोड़े, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। लेकिन यहां पे डायोड को नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से, और डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से ज्वाइन किया है, अदरवाइज वोल्टमीटर दोनों का पैरेलल में है। हाँ, यहाँ पे मिली एम्पीयर है, यहाँ पे माइक्रो, तो ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड के केस में थोड़ा करंट ज्यादा होता है, रिवर्स के केस में करंट आपका कम होता है। मिली मीन्स 10^-3 और माइक्रोन 10^-6 ये वैल्यूज होती है, अदरवाइज बाकी आपका सर्किट सेम है। यस, ये बैटरी में भी आपका थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने से थोड़ा बहुत आपका करंट होता है। तो ये सर्किट डायग्राम था और उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा, वो आपका फॉरवर्ड बायस में जो करंट है और जो आपने वोल्टेज ली है, फॉरवर्ड वोल्टेज, उसके बीच में प्लॉट होता है। अलोंग वाई एक्सिस आपने वोल्टेज लेनी है, अलोंग एक्स एक्सिस आपने करंट ले लिया। आप चेंज भी कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है। तो यहां स्टार्टिंग में देखो, जब आपने वोल्टेज अप्लाई की तो आपका करंट जीरो है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों? इसका रीजन भी पोटेंशियल बैरियर में छुपा है। स्टार्टिंग में आपने वोल्टेज दी, लेकिन वो वोल्टेज इतनी नहीं थी कि आपके पोटेंशियल बैरियर को आपका ओवरकम कर पाए। सो मैंने आपका यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी है, जैसे अगर जर्मेनियम का आपने सेमीकंडक्टर यूज किया है डायोड के टाइप से, तो उसके लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। इतने वोल्टेज के बाद ही आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ऐसे ही सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो 0.6 से लेके 7 के बीच में आपका करंट आना स्टार्ट हो जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है नी वोल्टेज। व्हाट इज नी वोल्टेज? नी वोल्टेज वो वोल्टेज होती है अबव विच जो आपका करंट है वो आपका लीनियरली इंक्रीज करना, रैपिडली इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उससे पहले आपका नॉन लीनियरली इंक्रीज करता है। अब खुद देखिए, स्टार्टिंग में लेके यहां तक जीरो है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन आफ्टर नी वोल्टेज आपका करंट एकदम से लीनियरली आपका इंक्रीज कर रहा है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ये जो आपकी पोटेंशियल बैरियर है, इससे पहले आपका करंट जीरो रहता है, इसके बाद ही आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और ग्राफ आपका प्लॉट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर रिवर्स बायस की बात की जाए तो वैसे आप ग्राफ कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन मेनली आप जब भी बुक में आप देखेंगे तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्टेज आपकी नेगेटिव होती है, मीन्स आप रिवर्स में वोल्टेज दे रहे हैं, कहने का मतलब आप नेगेटिव में वोल्टेज दे रहे हैं, इसका ये मीनिंग है। तो आप यहां देखें, यहां पे भी आपने जो वोल्टेज दी तो आपका करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ा, और एक टाइम पे आपका क्या आ जाएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। एक ऐसे वोल्टेज, अगर उसके बाद आपने फर्दर वोल्टेज अप्लाई की तो आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आपको बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज ही आपको वोल्टेज अप्लाई करनी है। So, ये आपका ग्राफ था रिवर्स बायस वोल्टेज और रिवर्स बायस करंट के बीच में। तो ये जो होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका ग्राफ होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। प्रैक्टिकल में क्या करना है आपको, जब आप ये ऐसे सर्किट को ज्वाइन कर लेंगे, या आपके पास जो किट होती है उसमें ऑलरेडी ज्वाइन होता है, आपको जिस वायर उसके अंदर डालनी होती है, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, जिसमें आपको करंट और जो आपकी वोल्टेज है उसकी रीडिंग लिख के आपको वहां से ये ग्राफ नोट करना होता है। इवन आप यहाँ पे, आप अगर वीडियो को थोड़ा पॉज करके जूम करके देखना, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल सी बनाई है। सो वहां से ट्रायंगल की हेल्प से, डेल आई और डेल वी की हेल्प से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं फॉरवर्ड बायस के केस में और रिवर्स बायस के केस में, दोनों में। सो आई होप आपको ये यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीएन जंक्शन डायोड एज एन रेक्टिफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज रेक्टिफायर? एक ऐसा डिवाइस जो आपके अल्टरनेट करंट को आपके डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। जैसे तो तीन टाइप के रेक्टिफायर होते हैं आपका, हाफ वे, फुल वे, ब्रिज वे, लेकिन अपने सिलेबस पे दो ही हैं, हाफ वे एंड फुल वे। हाफ वे में आपका एक डायोड यूज होता है, फुल वे में आपके दो डायोड यूज होंगे। सो लेट अस डिस्कस दैट टॉपिक।
स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफायर। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। दोनों को मैंने कंपैरिजन टाइप से किया है ताकि इजीली आप इन दोनों को लर्न कर पाए। तो मैक्सिमम आपका ये 3 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। सपोज अगर ये 5 मार्क्स में भी आए, क्योंकि ये जो यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो सपोज अगर यही टॉपिक आता है तो आप कैसे लिखे, 3 मार्क्स में कैसे लिखे, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले आपको बताती हूँ 5 मार्क्स में आए तो आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको रेक्टिफायर की आप डेफिनेशन लिख के आना। नंबर 2 पे आप इन दोनों को लिख के आना कि इसके 2 टाइप है। नंबर 3 पे आप हाफ वेव को पूरा एक्सप्लेन करके आना। नंबर 4 पे आप फुल वेव को पूरा एक्सप्लेन करके आना। तो ये 4 पॉइंट, जो 4 पॉइंट्स में आप इसको एक्सप्लेन करोगे, तो आप यहां देखिए, जब आप हाफ वेव को एक्सप्लेन करें तो उसके भी फर्दर आपके और पॉइंट्स बनेंगे। सो कुल मिला के आपको पूरे 5 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। तो अब आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। सपोज आपने ये इसका सर्किट डायग्राम बनाया, तो आप देखिए, एक अपने पास ये एसी का सोर्स है। आप वीडियो को प्लीज थोड़ा जूम करके देखना जब आप ये वाला पार्ट देख रहे हो। सो यहाँ पे ये जो है प्यारे बच्चों, ये सर्कल बन के ऐसे बनता है, ये एसी का सोर्स होता है। बैटरी जो है वो डीसी का सोर्स होता है। सो ये एसी सोर्स लगाया है हमने, यहाँ पे ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, राइट। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसमें ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी, ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये म्यूचुअल इंडक्शन का सिंबल होती है बेटा, कि यहां से आपका फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, राइट। ये डायोड है, आरएल होता है लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लेते हैं, राइट। सो अभी जब स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, तो सपोज आपने ये इनपुट दी, तो आपको सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब आप यहाँ पे इसको पॉजिटिव हाफ दोगे तो ये आपका डायोड कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस होगा तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगी। रिवर्स बायस में हम ये मान के चले कि हमारा डायोड काम नहीं करता, तो जब साइकिल चेंज होगी और साइकिल में नेगेटिव इसको मिलेगा, तो ये जो डायोड है आपका, ये हो जाएगा रिवर्स बायस, तो आपको यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसे अगेन पॉजिटिव है तो मिलेगा, नेगेटिव है तो नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब आप समझ भी गए होंगे कि इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों है, क्योंकि इसको फुल साइकिल जब देते हैं तो आधी साइकिल के लिए ही हमें आउटपुट मिलता है। सो आप ये डिफाइन करके आए, इसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन इसकी, आप ये जो इसका ग्राफ है, मीन्स आपकी जो ये वेव है पल्स फॉर्म में, ये आप एक्सप्लेन करके आ सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। लास्ट में आप कुछ इसकी रिजल्ट्स, या फिर आप ये बोले कुछ वैल्यूज भी आप लिख के आ सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ रिपल फैक्टर की, तो वो 1.21 होता है। जितना रिपल कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा आपका रेक्टिफायर होता है। ऐसे जो फॉर्म फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1.51, और एफिशिएंसी की अगर आइडियली बात करूँ तो 50% आनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली हाफ वेव रेक्टिफायर में जो उसका पर्पज है कि उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है, तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो 40.6% होती है प्यारे बच्चों। इसके कंपैरिजन में अगर मैं फुल वेव की बात करूं, तो जहां एक डायोड था यहां 2 डायोड है। यहां पे सिंपल ट्रांसफॉर्मर था, लेकिन यहां पे सेंट्रल टेप ट्रांसफॉर्मर है, जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। यहां पे जो आपका लोड रेजिस्टेंस था, वो आउटपुट आपकी सिर्फ एक डायोड के अक्रॉस ली जा रही थी। यहां पे जो ये लोड रेजिस्टेंस है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये दोनों डायोड के बीच में ली गई है सेंटर से, ताकि दोनों में से जो एक भी अगर आपका वर्किंग करेगा, कंडक्ट होगा, तो आपको आउटपुट मिलेगी। और यही पर्पस है, यही इसका मेन फंक्शन है, कि आप पॉजिटिव दे नेगेटिव दे, आपको हरेक के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रही है। इसीलिए इसका नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हरेक केस में अपसाइड क्यों आ रही है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब भी आप इन दोनों को पॉजिटिव पल्स देंगे तभी आपका ये वर्क करेगा, दैट्स व्हाई ये सारा अप है, राइट। नेक्स्ट, अगर इसमें कंपेयर करें दोनों के रिपल में, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिपल मतलब ये जो आपकी वेवी नेचर है, ये फुल वेव में थोड़ा कम होता है, तो हाफ की बजाय फुल आपका ज्यादा बेटर है रेक्टिफिकेशन के लिए। तो रिपल फैक्टर कम है, एफिशिएंसी देखें बिल्कुल हाफ वाली से डबल है ना, 81.2%। ऐसे फॉर्म फैक्टर भी आपका 1.11 है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको फुल्ली एक्सप्लेन करके आते हैं तो आपको कंप्लीट 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स में आता है तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी को आप कम कर सकते हैं, अदरवाइज जो मेन पॉइंट है वो आपको सारे लिख के आने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अपना स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके जो अभी डिस्कस होंगे वो है एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल। इसके अलावा एक और जीनर डायोड था, वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ,
वीडियो के स्टार्टिंग में जीनर डायोड इस साल सिलेबस से आपका कट हो चुका है, सो प्लीज आप वो बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से मत करना, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। सो वेट अ मिनट, यस स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें मैंने आपके लिए तीन डायोड साइमल्टेनियसली बनाए हैं ताकि आप कंपेयर करके तीनों को इजीली लर्न कर पाए। सपोज प्यारे बच्चों, इनमें से कोई भी एक डायोड आपका 5 मार्क्स में आता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग इन सबको एक्सप्लेन करूंगी। सपोज वो 3 में आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको कम कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ LED की, तो इसमें आप नंबर 1 पे LED की, हालांकि मैंने सिंबल बनाया है लेकिन आप थ्योरेटिकल थोड़ा लिख के आए कि LED की फुल फॉर्म क्या होती है। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे मैंने कुछ स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, ये वो टाइप का डायोड है जो इसके अंदर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रोड कंडक्शन में जाता है और वापस से जब वो वैलेंस में आता है तो जो एनर्जी एमिट करता है ना, वो जब लाइट की फॉर्म में करेगा तो आपका होता है LED। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, कभी भी सिलिकन और जर्मेनियम को हम LED में यूज नहीं करते हैं। रीजन, क्योंकि सिलिकन और जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में आता है ना, तो आपकी लाइट एमिट नहीं करता बेटा, वो हीट एमिट करता है। सो फिर इसमें क्या यूज करते हैं, सो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी में दिखाया भी था, रेड कलर की LED, ग्रीन की, ब्लू की, पिंक की, येलो की, बहुत सारे कलर की आप LED बना सकते हो, तो वो आप डोपिंग करते हो, लाइक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। सो वो डिपेंड करेगा कि आप में आपने अलॉय बनाते हुए किस एलिमेंट को कितनी परसेंटेज में लिया है, राइट। सो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखना। सो नंबर 1 पे आप डेफिनेशन लिख के आए इसकी, नंबर 2 पे आप सिंबल बना के आ सकते हैं। ये एक सिंपल डायोड है, इसके ऊपर आपको लाइट को बाहर जाते दिखाना है क्योंकि ये लाइट को एमिट करता है। 3rd में आप ये वाला लिख के आ सकते हैं, मतलब मींस आप ये वाला सर्किट डायग्राम बना के आ सकते हैं। तो यहां से आप देखें पी को हमने पी से जोड़ा है, तो आप ये भी लाइन लिख के आ सकते हैं कि LED आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है। उससे नेक्स्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए V और I का ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे ये रेड है, ये येलो के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए आपका जो करंट का ग्राफ है फॉरवर्ड बायस के केस में वो ड्रॉ किया गया है। सबसे लास्ट में 5th पॉइंट में आप इसकी यूज एप्लीकेशन लिख के आ सकते हैं। तो मैंने कुछ यूज आपके लिए लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे आपको यूज है जो इसके बुक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से कर सकते हैं, लाइक बर्गलर अलार्म में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में, ट्रैफिक लाइट्स में। आजकल तो LED की बहुत सारी आपके अब घरों में भी यूज करते हो, किसी फंक्शन के अंदर आपको डेकोरेशन करनी होती है, राइट। आप कोई मैरिज में जाते हैं वहां पे बहुत सारी इंटीरियर जो डेकोरेशन होती है वहां पे भी आपकी LED यूज होती है। अब बात करते हैं फोटो डायोड की। इन सारे टाइप के डायोड में जो आपकी करंट की कंडक्शन होती है वो आपका फोटो कंडक्शन ऑफ लाइट, मीन्स आपकी कंडक्टिविटी वो किसकी वजह से हो रही, लाइट की वजह से। फोटो डिटेक्टर डायोड ये आपका एक सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर होता है बेटा, जो नैनो सेकंड में ऑन ऑफ भी हो सकता है आपका। अब यहां पे अगर इसकी बात करें तो आप इसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिख के आ सकते हैं। अब ये इसका सिंबल बना के आए तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेम लगेंगे आपको, बस यहां पे लाइट की डायरेक्शन आउटवर्ड दिखानी है, यहां पे लाइट की डायरेक्शन इनवर्ड दिखानी है। मीन्स आपके एक डायोड के ऊपर जब लाइट फॉल होगी तभी उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, राइट। लाइट की वजह से आपको करंट दे रहा है। सो ये आप यहां देखें N को पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से, इसका मतलब ये आपके रिवर्स बायस में काम करता है। और नेक्स्ट में आप इसकी ग्राफ को करके आ सकते हैं, ग्राफ इसका 3rd रीजन भी बनेगा क्योंकि रिवर्स बायस में है आपका। सो स्टार्टिंग में भी जब आपने इसको ऑन नहीं किया होता, कोई लाइट जब नहीं होती, फिर भी थोड़ा बहुत करंट होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं डार्क करंट। फिर जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे लाइट बढ़ती जाएगी, ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन बोर्ड को ब्रेक करते जाएंगे, आपके बैलेंस से कंडक्शन में जाएंगे और आपको ज्यादा करंट मिलता जाएगा रिवर्स बायस के केस में। नेक्स्ट अगेन इसकी यूज या एप्लीकेशन, फोटोडायोड कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सबसे बेस्ट क्या है, ये फोटो डिटेक्शन में सबसे पहले आपको क्या होता है, फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर है आपका। नेक्स्ट डीमोड्यूलेशन के अंदर, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस के अंदर, और ऐसे बहुत सारे ETC, मतलब बहुत सारे आपके एप्लीकेशन है जहां पे हम फोटो डायोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सोलर सेल। एक सोलर सेल क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा। सो हम क्या करते हैं, एक सोलर पैनल लेते हैं। व्हाट इज अ सोलर पैनल? सोलर पैनल इज अ डिवाइस
विच कंटेनिंग सोलर सेल इन सीरीज, बहुत सारे सोलर सेल को सीरीज में यूज करता है, राइट। सो आप डायग्राम देखिए तो उसके ऊपर लाइट फॉल होगी, मीन्स ये आपकी सनलाइट है। ये सिंबल है इसका, ये इसका एक और सर्किट डायग्राम वाला सिंबल है जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है। देखो कोई सेल बैटरी नहीं लगाई, जिस लाइट फॉल होगी आपकी इस गिलास विंडो के ऊपर जो पीएन जंक्शन है आपका, तो आपको यहाँ लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगी। यस, ये इसके दो ग्राफ होते हैं इंपॉर्टेंट, एक इंटेंसिटी वर्सेस करंट है और दूसरा आपका करंट वर्सेस वोल्टेज है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से सुने, वीओसी आपकी होती है ओपन सर्किट वोल्टेज और आईएससी होता है शॉर्ट सर्किट करंट। ये आपको कब मिलता है, सपोज आपके पास एक सोलर पैनल है, ठीक है, आपने उसको बहुत देर तक धूप में रखा, नियर अबाउट 15 to 20 मिनट। उसके बाद आपने क्या किया, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव नोब्स होते हैं सोलर पैनल की, उसको एक बार आपने वोल्टमीटर से अटैच करना है, वोल्टमीटर के पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, आपको उस वोल्टेज की रीडिंग लेनी है। ऐसे ही आपको करंट के लिए एमीटर के साथ अटैच करना है, ज्यादा देर तक नहीं करना एमीटर के साथ क्योंकि डायरेक्ट होने से एमीटर आपका खराब हो जाएगा। लेकिन जो आपको वैल्यू मिली उस करंट की उस वोल्टेज की, वो ये वैल्यूज होती है, राइट। सो केवल इस वाले पार्ट से भी आपको क्वेश्चन आता है कि ये वाला ग्राफ फोर्थ रीजन में ही क्यों बनता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन इनको डिटेल में मैंने अपनी जो मैंने आपको बताया था, एक मैंने वीडियो बना रखी है इससे पहले, एक वीडियो जिसमें कंप्लीट आपके टॉपिक है ये, सो उसके अंदर डिटेल में इसका रीजन भी दे रखा है मैंने कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर आप सोलर सेल की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, तो वो क्या क्या यूज आता है। तो सबसे पहले आप कुकिंग फूड के लिए कर सकते हैं, पावर ट्रैफिक सिग्नल्स में, कैलकुलेटर में, वॉचेस में, कंप्यूटर में, बहुत ज्यादा जगह पे सोलर सेल को यूज करते हैं, सोलर पैनल को यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे आप इतनी ज्यादा डे टू डे आप सुनते हैं न्यूज में, इसरो ने, नासा ने इतनी सारी सैटेलाइट लॉन्च की, सैटेलाइट के पास ऊपर क्या है, क्या उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, वायर्स जा रही है, नो। तो फिर वो जो डिवाइसेस है वो वर्क कौन सी एनर्जी से कर रही है, तो वो इन सोलर पैनल्स की ही हेल्प से कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो जब रोटेट कर रहे हैं मार्स में या फिर आपके मून के चारों तरफ कहीं पे भी, तो वो सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डे टू डे लाइफ, मीन्स जितने भी हम पढ़ रहे हैं स्पेशल पर्पज डायरी, ये अपने डे टू डे की रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है प्यारे बच्चों। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर यूनिट 9, और यूनिट 9 ही नहीं, हमने पूरा सिलेबस एक बार दोबारा से रिवाइज किया है प्यारे बच्चों। आप सभी को दिल से धन्यवाद, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपकी क्लासेस की सीरीज बनाने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। सो डियर स्टूडेंट, बाय, टेक केयर बच्चों।